नमस्कार, मैं हूं अल्पना शर्मा और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरियों को पाने में मददगार ये खास बुलेटिन सफलता.com डेली अपडेट्स। आज के इस बुलेटिन में हम आपको जानकारी दे रहे हैं उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ के निधन की। ब्रिटेन में धनाढ़ियों की सूची में हिंदुजा बंधु के शीर्ष स्थान की जानेंगे। पत्रकारों को दिए गए मातृश्री पुरस्कार के बारे में भी होंगी कुछ और जानकारियां लेटेस्ट सरकारी जॉब्स के बारे में। और आज की हमारी शख्सियत है शिव थापा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करियर अपडेट बुलेटिन। सबसे पहले बातें करंट अफेयर्स की। देश के किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश और प्रसिद्ध लेखक विक्रम सेठ की मां लीला सेठ का निधन हो गया। जस्टिस लीला सेठ ने कानून के क्षेत्र में कई इतिहास रचे। वो लंदन बार परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने वाली पहली महिला थी और वर्ष 2012 में आपराधिक कानून में संशोधनों के लिए गठित की गई न्यायमूर्ति वर्मा समिति के 3 सदस्यों में भी शामिल रहीं। देश में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ का नोएडा स्थित उनके निवास पर निधन हो गया। वे 86 वर्ष की थी। जुलाई 1978 में लीला सेठ को न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई और अगले ही वर्ष दिल्ली हाईकोर्ट में नियुक्त किया गया। इसके साथ ही वे भारत में किसी हाईकोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश बनी। 1992 में लीला सेठ को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी महिला को किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने का अवसर मिला। वे 2012 में आपराधिक कानून में संशोधनों के लिए गठित न्यायमूर्ति वर्मा समिति की 3 सदस्यों की समिति में शामिल थीं। लखनऊ में वर्ष 1930 में जन्मी लीला सेठ भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 1958 में लंदन बार की परीक्षा पास की। ब्रिटेन में धनी लोगों की इस साल की सूची में हिंदुजा ब्रदर्स शीर्ष पर हैं। ब्रिटेन में धनी लोगों की यह रिपोर्ट संडे टाइम्स द्वारा जारी की गई। ब्रिटेन में 1000 अरबपतियों में 40 भारतीयों को रखा गया है। श्रीचंद व गोपीचंद हिंदुजा ने तेल एवं गैस, टोमोटिव, आईटी, ऊर्जा, मीडिया, बैंकिंग और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में निवेश से ये दौलत हासिल की है। संडे टाइम्स द्वारा जारी ब्रिटेन में धनी लोगों की लिस्ट में हिंदुजा बंधु शीर्ष पर हैं। श्रीचंद व गोपीचंद हिंदुजा की अनुमानित संपत्ति बढ़कर 16.2 अरब पौंड हो गई है जो कि पिछले साल की तुलना में 3.2 अरब पौंड ज्यादा है। ब्रिटेन के 1000 सबसे धनी लोगों की इस वर्ष की सूची में हिंदुजा बंधुओं के अलावा भी 40 से ज्यादा भारतीय मूल के अरबपति शामिल हैं। हिंदुजा समूह ने तेल एवं गैस, ऑटोमोटिव, आईटी, ऊर्जा, मीडिया, बैंकिंग व हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में निवेश से ये दौलत हासिल की है। इनकी नवीनतम परियोजना लंदन में पुराने युद्ध कार्यालय को 5 सितारा होटल और लग्जरी अपार्टमेंट में बदलने की है। भारत में ही जन्मे उद्योगपति बंधु डेविड व सीमोन रूबेन सूची में 3रे, लक्ष्मी निवास मित्तल 4थे स्थान पर हैं। केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा 42वें मातृश्री पुरस्कारों का वितरण किया गया जिसमें फिल्म ऐश्वर्या राय बच्चन द्वारा अभिनीत फिल्म सरबजीत को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा विभिन्न समाचार संगठनों से चुने गए पत्रकारों को भी इस अवसर पर नवाजा गया। विभिन्न समाचार संगठनों से चुने गए पत्रकारों को मातृश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विजेता पत्रकारों को शाहनवाज हुसैन ने प्रशस्ति पत्र एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर ऐश्वर्या रॉय बच्चन द्वारा अभिनीत फिल्म सरबजीत को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इस बार पीटीआई के फोटो संपादक श्री शेटे, पीटीआई से ही राजेश राय, भाषा से मनीषा श्रीवास्तव, यूएनआई से शांतुदास, यूनिवार्ता से अर्चना कश्यप और यूएनआई उर्दू से मकसूद आलम को पुरस्कार दिया गया। हिंदुस्तान समाचार से अजीत कुमार पाठक, दैनिक आज से संजय राय, नवभारत टाइम्स से अनु चौहान, दैनिक हिंदुस्तान से पंकज रोहेला, अमर उजाला से सीमा शर्मा, दैनिक जागरण से अभिनव उपाध्याय और राष्ट्रीय सहारा से रविशंकर तिवारी को भी इस सम्मान से नवाजा गया। पुरस्कार पाने वाले अन्य लोगों में हिंदुस्तान एक्सप्रेस के फोटोग्राफर नरेंद्र कुमार, दैनिक जागरण के फोटोग्राफर हरीश कुमार, इंडिया न्यूज के कैमरामैन रोहित कुमार, वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा, श्रद्धा चैनल के पत्रकार राजेंद्र भारद्वाज,
स्वतंत्र पत्रकार सुनीता वकील, द हिंदू के कार्टूनिस्ट सुरेंद्र नाथ, MH1 से नवनीत वाधवा, दैनिक सवेरा से आकाश द्विवेदी, सांध्य टाइम्स से मुकेश बोड़ाई और टोटल टीवी से तरण कालरा शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं कि कहां निकली हैं सरकारी भर्तियां जिसमें आप कर सकते हैं अप्लाई। एम्स दिल्ली, अंतिम तिथि 10 जून 2017, पदों की संख्या 207, जूनियर रेजिडेंट के पद, शैक्षणिक योग्यता MBBS या BDS परीक्षा उत्तीर्ण, आयु सीमा एम्स नई दिल्ली के नियम अनुसार, वेबसाइट www.aims.edu, UPPRPB, अंतिम तिथि 15 जून 2017, पदों की संख्या 666, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पद, शैक्षणिक योग्यता भौतिक विज्ञान और गणित से 10+2 एवं ओ लेवल कंप्यूटर में डिप्लोमा, आयु सीमा 18 से 28 वर्ष निर्धारित, वेबसाइट uppolice.gov.in। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास। सफलता.com आपके लिए इन एग्जाम्स की तैयारी को लेकर टेस्ट मॉड्यूल बनाता है और आज की मेरी पसंद के खास आपके लिए हैं ये मॉड्यूल। UPBED पेपर - मॉक टेस्ट सीरीज sapalta.com/upbedpaper-imocktestseries2/ IAS 2017 एग्जाम बूस्टर sapalta.com/IAS2017 एग्जाम बूस्टर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 sapalta.com/dellipolicekonstable/। शख्सियत में आज बारी है शिव थापा की, तो आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में कुछ जानकारी। शिव थापा, जन्म 8 दिसंबर 1993, जन्मस्थान गुवाहाटी। ये तेल और प्राकृतिक गैस में कार्य भी करते हैं। इन्होंने वर्ष 2012 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में लिया था हिस्सा। भारत के हैं ये सबसे युवा मुक्केबाज। वर्ष 2017 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शिव थापा ने जीता रजत पदक। इस प्रतियोगिता में लगातार 3 पदक जीतने वाले बन गए हैं पहले भारतीय। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2013 में जीता था स्वर्ण पदक। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2015 में भी जीता था कांस्य पदक। तो ये था हमारा आज का डेली अपडेट बुलेटिन। ये बुलेटिन आप अपने समय और सहूलियत के हिसाब से www.sapalta.com के वीडियो सेक्शन में कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। कल फिर मिलेंगे करंट अफेयर्स की कुछ और नई जानकारियों, कुछ नए जॉब अलर्ट्स और एक शख्सियत के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए sapalta.com डेली अपडेट्स।